ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से केमिस्ट्री की क्लास आपकी चालू हो रही है। हमारे क्लास का टैगलाइन है, केमिस्ट्री से डरना मना है। मुझे पूरा विश्वास है मैं आपको इस प्रकार सिखाऊंगा केमिस्ट्री कि आपके मन से केमिस्ट्री का डर निकल जाएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था प्रारंभ कर रहे हैं। इस चैप्टर के इस वीडियो में हम इसका सामान्य परिचय जानेंगे, जिसमें से अधिकांश चीजें हम अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, परंतु इन चीजों को जाने बिना हम इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। अतः चलते हैं सामान्य परिचय पर। सबसे पहला परिचय हम करेंगे द्रव्य से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। आपको द्रव्य की डेफिनेशन पता होगी, लिखवाने की बताने की जरूरत नहीं है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। ब्रह्मांड की वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो वो द्रव्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मार्कर, ये कमरा, ये बोर्ड, हम, आप, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और भी तमाम चीजें, ये सब के सब द्रव्य के उदाहरण हैं। द्रव्य कितने प्रकार का होता है? द्रव्य वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरल के लिए अगर देखा जाए तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस। अब बात करें ठोस की, कि ठोस किसे कहते हैं? ठोस वह होते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव वह होते हैं जिनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। जान लिया आपने कि ठोस वह होते हैं जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, और द्रव वह होते हैं जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। अब हम चलते हैं गैस पर। गैसों की बात करें तो इनका आकार व आयतन दोनों चीजें अनिश्चित होती हैं। इस प्रकार से हम ठोस की गुणवत्ता जान सकते हैं, ठोस अवस्था को हम जान सकते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो द्रव अवस्था कहलाता है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है। ठोस के एग्जाम्पल जैसे लोहा, नमक, आग। द्रव की एग्जाम्पल जल, दूध, आग। गैस की एग्जाम्पल H2 गैस, O2 गैस, आग। अब हम जान चुके हैं द्रव्य को और द्रव्य के सामान्य 3 प्रकार को। अब मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि हमें अपने इस क्लास 12 में केवल द्रव्य की ठोस अवस्था को पढ़ना है। द्रव अवस्था का अध्ययन हम फिजिक्स में करेंगे और गैस अवस्था का अध्ययन हम अपनी पुरानी कक्षा 11 क्लास में कर चुके हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ठोस के अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। ठोस के अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें यह जानेंगे कि आखिर ठोस का आकार और आयतन दोनों कैसे निश्चित होता है। हम जानते हैं कोई भी द्रव्य घटक कणों से बना होता है। ये घटक कण आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। जो ठोस के घटक कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास होने के कारण इनके बीच का जो स्पेस होता है ये बहुत कम होता है। इस स्पेस को ही कहते हैं
अंतर आ गया। अगर इसी तरह द्रव की बात करें तो द्रव के घटक कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब इसी प्रकार अगर हम गैस की बात करें तो गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम जैसा कि चित्र में देख रहे हैं ठोस के घटक कण बहुत पास पास हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका अंतराणु का अवकाश बहुत ही कम और अंतराणु बल बहुत ही अधिक है, जबकि द्रव का ठोस की अपेक्षा अंतराणु का अवकाश अधिक, गैस की अपेक्षा अंतराणु का अवकाश कम, जबकि ठोस की अपेक्षा अंतराणु बल कम और गैस की अपेक्षा अंतराणु बल अधिक होता है। अब इसी प्रकार अगर हम गैस की बात करें तो गैसों का अंतराणु का अवकाश ठोसों व द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होता है और इनमें लगने वाला अंतराणु बल ठोसों व द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम यानी नगण्य होता है। अब हम इसका अंतर सिद्धांत के आधार पर अगर व्याख्या करें तो हम क्या पाते हैं, क्या लिखेंगे, क्या सोचेंगे? ठोसों के घटक कण बहुत पास पास होते हैं जिनसे उनके अंतराणु का अवकाश बहुत कम होते हैं। अंतराणु का अवकाश कम होने के कारण घटक कणों के बीच लगने वाला अंतराणु बल बहुत अधिक होता है, इसलिए ठोस के कण अपने स्थान को छोड़ नहीं पाते बल्कि अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर कंपन करते हैं। यही कारण है कि ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। तो हमने द्रव्य जान लिया, द्रव्य का प्रकार जान लिया, ठोस अवस्था की परिभाषा जान ली, ठोसों का अणुवत सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कर लिया। अब अगला टॉपिक हमारा है ठोस के गुण। अब हम जानते हैं ठोसों के गुण के बारे में। ठोसों के गुणों का अध्ययन भी आप लोग कर चुके होंगे, एक बार मैं फटाफट इनका रिवीजन करता हूं। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, आप पढ़ चुके हैं ठोसों का अणुवत सिद्धांत। उस सिद्धांत के आधार पर आपने जान ही लिया था कि इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आगे बढ़ते हैं। ठोसों का अंतराणु का अवकाश अपेक्षाकृत बहुत कम है, ये भी आपने जान लिया कि ठोस के घटक कण बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच के गैप को, इनके बीच के अवकाश को ही कहते हैं अंतराणु अवकाश, जो कि द्रव और गैसों के अपेक्षा बहुत कम होता है। अगला, अंतराणु बल अपेक्षाकृत बहुत अधिक, सॉरी, अंतराणु बल अपेक्षाकृत बहुत अधिक। आपने पढ़ा, क्योंकि अंतराणु अवकाश बहुत कम है जिससे ठोस के घटक कण बहुत पास पास होते हैं और इन घटक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है, यानी ये अंतराणु बल जो ठोसों में लगता है या द्रव और गैसों के अपेक्षा बहुत अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला गुण है ठोस प्रकृति। सामान्यतः ठोस जो होते हैं वो कठोर प्रकृति होते हैं। अगला, घटक कण अपना स्थान नहीं छोड़ते बल्कि अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर कंपन करते हैं। आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि इनके घटक कण बहुत पास पास है, तो जाहिर सी बात है कि ये हिलने डुलने के लिए स्थान नहीं पाएंगे, अपने स्थान को छोड़ नहीं पाएंगे, जिससे केवल अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर कंपन करेंगे। आप इमेजिन करिए, आप किसी बस में चढ़ते हैं जिसमें बहुत भीड़ है, बारह बजे समय तो लॉकडाउन चल रहा है, भीड़ नहीं मिलेगी बसों में। पुराने समय की बात हम सोचते हैं, हम किसी बस में चढ़ते हैं और बस में बहुत भीड़ है, बहुत सी सवारियां बैठी हैं, खड़ी हैं, कोई भी जगह खाली नहीं है, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ बिल्कुल लोग खड़े हैं। अब सोचिए, क्या हम अपने स्थान को आसानी से छोड़ पाएंगे, हम अपनी जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, नहीं कर क्या पाएंगे, हम अपनी जगह पर केवल आगे पीछे दाएं बाएं कंपन कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं। तो इसी प्रकार ठोस के कण भी अपना स्थान छोड़ते नहीं है बल्कि अपनी साम्य अवस्था की इधर उधर कंपन करते हैं। अगला,
ये असंपीड होते हैं, अर्थात इनमें संपीडता का गुण, कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है। इस प्रकार ठोस के गुण हमने 6 पॉइंट पढ़े, और भी ठोस के गुण हैं जिन्हें आप खुद अध्ययन कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। अगला चलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है ठोस के प्रकार। ठोस वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी भी चीज को क्लासिफाइड करने के पहले यह जान लेना आवश्यक होता है कि उसका क्लासिफिकेशन हम किस बेस पर कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में, सॉलिड स्टेट चैप्टर में, हम ठोस का जो प्रकार पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वह ठोस के घटक कणों की ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर पढ़ेंगे, और ठोस के घटक कणों का ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर क्लासिफिकेशन दो भागों में किया गया है, जिनमें पहला भाग है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा भाग है अकृष्टीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड अंग्रेजी में, और अकृष्टीय ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं, जबकि अकृष्टीय ठोस को हम आभासी ठोस के नाम से भी जानते हैं। अकृष्टीय ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इस प्रकार हमने जाना कि ज्यामितीय व्यवस्था, किसकी ज्यामितीय व्यवस्था, इसके घटक कणों की, ठोस के घटक कणों की ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अकृष्टीय ठोस। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के टॉपिक का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।